हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम क्रिस। गाइस कैसे हैं आप सब। सो आज मैं शेयर करने वाली विंटर के लिए स्पेशल फेस पैक, जो कि एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए होने वाला है। अगर आपकी नॉर्मल ड्राई स्किन है, लाइक थोड़ी ड्राई स्किन है, तो भी आप इसे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है विंटर में, तो ये फेस पैक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो विंटर आती है तो स्किन के साथ ले विंटर एंड स्किन की ये वाली जो बीच वाली प्रॉब्लम होती है, हर किसी को होती है, जो कि ड्राइनेस है। बिकॉज विंटर में स्किन बहुत ज़्यादा खिंचती है एंड हम लोगों को समझ नहीं आता है हम क्या जो है ऐसा अप्लाई करें। सो इस फेस पैक के वन वॉश में ही आपको आपकी स्किन हाइड्रेट मॉइस्चराइज लगेगी, लाइक आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी एंड आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी स्किन की ऑयलीनेस को ले लिया है इसने या आपकी स्किन ड्राई लग रही है, ऐसा आपको फील नहीं होने वाला है। वन वॉश में ही आपकी स्किन आपको बहुत अच्छे से प्लम्पी एंड बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज लगेगी। चलिए फिर इस फेस पैक को बनाना स्टार्ट करते हैं एंड ये फेस पैक बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। सो इस फेस पैक को बनाने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ नेस्ले का एवरीडे मिल्क पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट आपको लेना है कॉफ़ी पाउडर, उसके बाद आपको लेना है रॉ मिल्क कच्चा दूध, नेक्स्ट आपको लेना है हनी। सो यहाँ पे मैंने डाबर का हनी लिया है। तो आपको फर्स्ट जो है फेस पैक के लिए लेना है 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड करना है बाउल में। 2 टेबल स्पून आप ऐड कर लीजिए। अगर आपको इससे ज़्यादा बनाना है तो इससे ज़्यादा आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। आपको रेशियो यही रखना है 2:1 का, लाइक अगर 1 चम्मच आप कॉफ़ी पाउडर डाल रहे तो 2 चम्मच आपको मिल्क पाउडर ऐड करना है। इन दोनों को आपको सूखा ही लाइक मिक्स कर लेना है, ड्राई मिक्स कर लीजिए पहले अच्छे से। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी, 1 टेबल स्पून मैं इसमें हनी ऐड कर रही हूँ। सो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून मिल्क, रॉ मिल्क कच्चा दूध आपको लेना है, वो भी ठंडा। तो 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसे ज़्यादा मिल्क ऐड मत कीजिएगा, बाइंडिंग के लिए फेस पैक बन जाए उतना जो है आपको मिल्क ऐड करना है। ज़्यादा ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी बन जाएगी फेस पैक की। इन सबको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड आप देख सकते हैं एक जेल टाइप का जो है फेस पैक रेडी हो चुका है। स्मूथ कंसिस्टेंसी ये लगाने के लिए हमारा फेस पैक रेडी है। सो चलिए इस फेस पैक को लगाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए वाटर से। सो इस फेस पैक को लगाने से पहले आप देख सकते हैं कितना यमी यमी सा लग रहा है। तो मैं इसे ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लाइक रनी कंसिस्टेंसी है, दैट्स व्हाई ये फिंगर से लगना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने इस फेस पैक में यूज़ किया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे स्किन को स्मूथ एंड लाइटन करने में हेल्प करता है। ये एक नेचुरल क्लिंजर की तरह काम करता है। ये हमारे स्किन को नेचुरली क्लीन करता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, प्लस हमारी स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है इसमें कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर हमारी स्किन को नेचुरली क्लीन करता है, टैन को रिमूव करता है, प्लस हमारी स्किन में जो दाग धब्बे हो जाते हैं, एक्ने पिंपल्स के निशान हो जाते हैं, उसको दूर करने में हेल्प करता है एंड हमारी स्किन को नेचुरली ग्लो बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है हनी। हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, स्मूथ बनाता है एंड सॉफ्ट बनाता है, प्लस ये हमारी स्किन से आकने को भी दूर करने में हेल्प करता है। हनी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपकी स्किन में एक्ने पिंपल के निशान भी हो जाते हैं या आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं है, तो वो नेचुरली स्किन को ग्लो करने में भी हेल्प करता है। तो इस फेस पैक को आपको पूरे फेस पे इवन नेक तक लगाना है। अगर आपको कहीं पे भी ड्राइनेस हो रही है, आप वहाँ पे भी ये फेस पैक लगा सकते हैं, ये पैक लगा सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने इस फेस पैक को लगा लिया है नेक तक, पूरे फेस पे लगा लिया है मैंने। सो इस फेस पैक को आपको रखना है 15 मिनट्स तक, उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से रिंस कर लीजिए। सो आप देख सकते हैं गाइस इसका इफेक्ट, ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है, हाइड्रेट भी रखता है एंड सुपर स्मूथ एंड सॉफ्ट बना देता है एंड प्लस इसके साथ साथ आपको एक बहुत ही अच्छा सा नेचुरल ग्लो भी देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस फेस पैक को इस विंटर में रेगुलर ट्राई करते हैं, लाइक इसको फॉलो करते हैं रेगुलरली, तो आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो भी खत्म होगी एंड आपकी स्किन में एक नेचुरल ग्लो बरकरार रहेगा एंड आपकी स्किन में जो लाइक वो दाग धब्बे हो जाते हैं उसको भी ये दूर करने में हेल्प करता है। सो आज का वीडियो आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा। अगर आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है एंड आप चाहते हो कोई ऐसा फेस पैक जो इंस्टेंट रेडी हो जाए एंड आप उसे अप्लाई कर पाओ एंड एकदम से आपको जो स्किन में बहुत सॉफ्टनेस एंड बहुत ही मॉइस्चराइज लगे आपकी स्किन, तो आप ये फेस पैक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं एंड इसे अप्लाई करके इसका इफेक्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप लोग के लिए मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल रहा हो। हेल्पफुल रहा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।